like a very pepped up evening. So, yeah, very, very excited to just have fun. अच्छा मैंने किसी को देखी नहीं है तो मुझे पता नहीं है पर थैंक यू आई थिंक दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट आई थिंक द ड्रेस इटसेल्फ टू बी ऑनेस्ट देयर आर सम आउटफिट्स व्हिच यू व्हेन जस्ट ट्राई यू फील लाइक एक्सपेरिमेंटिंग एंड यू नो कि ऐसा कभी मैंने शायद कुछ नहीं पहना है लेकिन मैं पहनना चाहूंगी एंड इट जस्ट फिट मी सो ब्यूटिफुली दैट आई जस्ट आई डिडंट हैव टू ट्राई एनी मोर ड्रेसेस सो दिस चेन एंड फाल्कनी आउटफिट आई थिंक I'm also wearing that outfit after a very long time. So, this I think felt like the perfect outfit for the occasion. नहीं करना चाहिए हमेशा करना चाहिए बट एट दी एंड ऑफ इट जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको एक फीलिंग आती है कि मैं अच्छी लग रही हूँ या पता नहीं तो आई थिंक वो फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है तो मैं हमेशा अपनी गट फीलिंग के साथ जाती हूँ और साथ साथ कभी कुछ नया ट्राई करना चाहिए जब तक आप कुछ नया ट्राई नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप पे कैसा लगता है सो लाइक दिस आप करोड़ों की हीरोइन हो I think obviously it's firstly a huge compliment that people feel that they can sort of rely on me in terms of the box office collections and I'm fortunate ki meri filmon ne especially Bareilly and Luka Chupi and pehle bhi Hero Bandi Dilwale fortunately have done well and I've received the love that I have but it also gives me a little more responsibility of choosing wisely and choosing my projects wisely तो बहुत अच्छा लगता है और कोशिश यही होती है कि आपकी फिल्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को एंटरटेन करे और आगे भी यही रहेगी अभी हाँ दो गाने हमें शूट करने हैं तो मैं 5 तारीख से करजत वापस जा रही हूँ और इस बार 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर पानीपत आई थिंक रैप हो जाएगी हमारी सो आई एम गोना बी डन विद दिस वे आई जस्ट फिनिश हाउसफुल देयर वाज वन सॉन्ग एंड सम पोस्टर शूट व्हिच वाज पेंडिंग तो वो अभी ख़त्म किया सो अभी सारी फिल्में जो लास्ट ईयर शुरू हुई हैं वो सारी पैकअप हो रही हैं एंड इट्स अ बिटर स्वीट फीलिंग वे यू फील कि यार ख़त्म हो गई जर्नी बट ख़त्म हो गई जर्नी मैं बहुत दिन बाद मिल रही हूँ उनसे वेल आप सब व्यूअर्स को ईद बहुत बहुत मुबारक हो एंड बहुत सारे पकवान खाइए बिल्कुल लाइटिंग मत कीजिए अच्छे से प्रे कीजिए और खुश रहिए एंटरटेनमेंट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव देना ना भूलें